जैसे मैंने कुछ कोरोना आने से पहले मैं कहा करता था मजाक में कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो पीठ पर सिलेंडर बांध के घूमेगी और हम लोग चेहरे पे मास्क लगा के मतलब मास्क लगा के, तो हम लोगों ने अपने समय में देख लिया, मास्क हमने खुद ही लगा लिया। सही बात है, हंसी मजाक में आपने कहा, वो बिल्कुल सच हो गया। अगर कोई फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहे तो मतलब वो से आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब या मैंने कहा प्रोजेक्ट्स में कोई आते हैं हमारे इस तरह के जो मानवता वाले हैं स्वागत है, पर वो डोनेशंस वगैरह हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कि उसमें जो बिटकॉइन हम लोग एक जो कॉइन लॉन्च कर रहे हैं उसके, वो हमारे पास गोल्ड अबू धाबी बैंक में है उसके अगेंस्ट में लॉन्च कर रहे हैं, तो 75 टन तो उसमें सोना ही है। पेड़ लगाने के लिए अगर हम किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो इतना एक छोटा सा वाक्य अच्छा है कि अगर सांस लेते हो तो साथ आ जाओ, नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ में जो आप देख रहे होंगे एसडी विजयन जी हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय करा देता हूं। आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जो संगठन हैं, जो इंटरनेशनल संगठन भी हैं, काफ़ी बड़े संगठन हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। पहले तो मैं आपका स्वागत कर लेता हूं। जी जी। इसके अलावा मेरा जो सवाल है सर, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारी बात हुई है, एक तो सनातन को लेके और इसके अलावा पर्यावरण के लिए आप बहुत कार्य करते हैं, सनातन के लिए आप काफ़ी कार्य करते हैं, इसके अलावा फूड बास्केट, जैसे कि अफ्रीका में फूड बास्केट की पिछली बार हमने बात की थी आपसे, जी, तो पूरे अफ्रीका में फूड बास्केट को लेकर आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं, ये चीज़ें हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा। जरूर जी, प्लीज़। ये पहला तो हमारा शक्तिपीठ वाला विषय था। बिल्कुल, शक्तिपीठ वाला विषय था। तो शक्तिपीठ के लिए अभी मैं बलूचिस्तान जाऊंगा। जी, वहां पर मेला लगता है माता हिंगलाज देवी का। बिल्कुल, तो वहां जाने के बाद वो शक्तिपीठ अपने साथ आ जाएगा। तो एक तो वो एक बड़ा विषय होगा। जी, फिर उसके बाद बाकी, फिर जैसे मैंने बताया था, श्रीलंका है, नेपाल है, मानसरोवर है, एक भूटान में भी एक देवी का मंदिर है, वो भी तैयार है। तो एक तो ये विषय रहेगा। दूसरा, ताकि प्लेनेट को ग्रीन प्लेनेट में कन्वर्ट करना। बिल्कुल, उसके लिए भी एक अच्छा डेवलपमेंट है, एक वन वर्ल्ड पीस मेकर्स फाउंडेशन है, वो डॉक्टर एडी हैं, उन्होंने शुरू किया था। ये कहाँ के हैं, इंडिया से हैं? उनके पिताजी श्रीलंका से थे, माताजी मलेशिया, ओके, की धर्मपत्नी वियतनाम से। ओके, तो फिलहाल वियतनाम में। मतलब 3-3 कंट्री हो गए अभी उसमें है। मतलब 2012 में ये वन वर्ल्ड पीस मेकर्स फाउंडेशन रजिस्टर कराया, अभी ही ये 183 देशों में है। अच्छा, अभी भारत में भी इसको रजिस्टर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो 184 फिर लगभग पूरे विश्व में इस साल कर लेंगे। और जितने भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसके अलावा भोजन है और पर्यावरण है, ये सारे विषय, और ऊर्जा, ये सारे क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी भी उसमें रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके पास अपना बैंक भी अपना है, ओके, इंश्योरेंस कंपनी अपनी है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे क्षेत्रों में है। और साधन संपन्न, जैसे मैंने वो अलग से बताया था कि उसमें कोई CSR फंड या और पूरे विश्व में काम करना है, और जिस तरह की हम फंडिंग सोच रहे हैं उस तरह की फंडिंग उपलब्ध हो जाएगी। नहीं, जैसे कि आपने बताया आपकी फंडिंग है, क्रिप्टो का काम यहाँ पर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फंडिंग की जरूरत ही नहीं ना आपको? नहीं पड़ेगी, लेकिन लोगों की जरूरत पड़ेगी आप, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। कुछ होता नहीं। चलिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो प्लेनेट पर है उसका सहयोग किसी ना किसी रूप में चाहिए होगा। चाहिए होता है, और हम काम भी उसी के लिए कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का जीवन ठीक हो। बिल्कुल, और पर्यावरण ठीक होगा, व्यक्ति का जीवन ठीक होगा, प्राणी जगत प्लेनेट पर थोड़ा मानव जीवन और अच्छा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जब हम लोग जाएं पृथ्वी से तो थोड़ा अच्छी पृथ्वी छोड़ करके जाएं। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों के लिए जी एक अच्छा वातावरण पहले से हो। बहुत बढ़िया। वो जैसे मैंने कुछ कोरोना आने से पहले मैं कहा करता था मजाक में कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो पीठ पर सिलेंडर बांध के घूमेगी
और हम लोग चेहरे पे मास्क लगा के तो हम लोगों ने अपने समय में देख लिया, मास्क हमने खुद ही लगा लिया। सही बात है, हंसी मजाक में आपने कहा वो बिल्कुल सच हो गया। तो ऐसा लगता था जब कोरोना है तो कि ये मास्क हटेगा या नहीं हटेगा, ये भी एक क्वेश्चन चिन्ह था। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हट गया, अच्छी बात है। ये तो हमें लगता है इसके साथ ही जीना पड़ेगा, उस समय ऐसा सोच बन रही थी। जी 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 जी। तीसरा ये है कि जो अफ्रीका रीजन है उसको फूड बास्केट, तो आज एक अच्छी फंडिंग अपने पास बैकअप है उसका। कुछ अलग प्रकार के भी संगठन हैं जहाँ से फंडिंग अच्छी आती है अपने पास, कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, फंड के विशेष सुलझ रहे हैं थोड़ी देर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये एक क्योंकि जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ करने की कोशिश करें सब चीज़, तो आदमी इंसान जो अटकता है वो फंड पर अटकता है, क्योंकि पैसे के बिना, पैसे के बिना कुछ, मतलब आप एक सोशल वर्क भी करने जाए तो वो भी पैसे के बिना नहीं होता, आप संगठन भी चाहिए उसके लिए, लोगों का सहयोग चाहिए। बिल्कुल, वो हो जाता है फिर एक रास्ता बन जाता है, वातावरण बन जाता है, फिर लोग भी जुड़ते हैं आपके साथ। इसमें अगर कोई मतलब मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, अपना तो बोला नहीं इस चीज़ के लिए, अगर कोई फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहे तो मतलब उसे आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब या मैंने कहा प्रोजेक्ट्स में कोई आते हैं हमारे इस तरह के जो मानवता वाले हैं स्वागत है, पर वो डोनेशंस वगैरह हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मतलब जो कि भाई आप सर्टिफिकेट ले लो, डोनेशन हमें दे दो, ये चीज़ें वो चीज़ नहीं है। मतलब अगर डोनेशन कोई ले दे रहा है तो वो डोनेशन को आप बाकायदा लगा रहे हैं लोगों की सेवा? नहीं, कर लेंगे उसका स्वागत है, लेकिन अपना फंड अपने पास अभी बहुत है। अच्छा, बड़ी मात्रा में, मैं उसको शब्दों में नहीं कहना चाहूँगा कितना है, लेकिन है तभी ये साहस कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अलग से कि उसमें जो बिटकॉइन हम लोग एक जो कॉइन लॉन्च कर रहे हैं उसके, वो हमारे पास गोल्ड अबू धाबी बैंक में है उसके अगेंस्ट में लॉन्च कर रहे हैं, तो 75 टन तो उसमें सोना ही है। मतलब इतना भारत में जितना सोना है वो 75 टन? मुझे नहीं पता, भारत में ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 75 टन बहुत होता है अपने 1 वर्ल्ड पीस में, इतना है वहाँ। उसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल हमारे पास एसेट्स वगैरह हैं हमारे फाउंडर के पास, US में उसको रजिस्टर कराया हुआ सारा फंड जितना भी है एसेट्स को, चलिए वहाँ से फंडिंग नियमित रूप से आती रहेगी। वो एक बहुत बड़ा फंड है। अभी मतलब शुरू हो चुकी हैं या होने वाली हैं? 183 देशों में पहुँच कर तो शुरू हो चुका है। मतलब भारत में भी इंतजार है? नहीं, भारत में भी शुरू कर दे रहे हैं अभी। अच्छा, कर दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी शायद 1-1 महीने में उसका सारा रजिस्ट्रेशन होकर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देंगे। उसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स अभी जो शुरुआत में लॉन्च कर रहे हैं जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, वो लॉन्च शुरू कर रहे हैं उसको। उसके अलावा एनर्जी के क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो वो ऑलरेडी मैं कुछ उसमें कर रहा था पहले से ही, वो इसके साथ भी टाई अप करके फंडिंग में भी लगाऊंगा, उधर से भी लगेगी। चलिए वो है। इसके अलावा पर्यावरण पे आप बहुत अच्छी चीज़ें मतलब बताई थी आपने हमें, आप ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल, तो कुछ चीज़ थी जो आपने एक पत्नी का किस्सा सुनाया था, वो अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़रूरी है। वो तो सहज रूप से, क्योंकि नहीं सहज रूप से था, लेकिन अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा, पेड़ लगाने के लिए अगर हम किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो इतना ऐसे एक छोटा सा वाक्य अच्छा है कि अगर सांस लेते हो तो साथ आ जाओ, नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर आप सांस लेते हो प्रकृति का आप पर कुछ कर्ज है आपसे, तो कुछ वापस भी दीजिए, वापस भी दीजिए। बिल्कुल, उसमें ये हो गया। फिर ये है कि जब कोई हिंदू व्यक्ति इस जगत से विदा कहता है तो एक या दो पेड़ अपने साथ ले जाता है, लेके जाता है, जो दाह संस्कार में हम जो कि अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें दाह संस्कार करते हैं। बिल्कुल, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस समय एक या दो पेड़ लगा के बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है, और मैं कह रहा हूँ कि ये हर भारतीय को सुननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी के घर में भी कोई, देखिए इंसान की कभी कोई भरपाई नहीं हो पाती है, जो इंसान चला जाता है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर हम, क्योंकि प्रकृति का दिया ही हुआ हमारे पास सब कुछ, हमारा प्रकृति का दिया हुआ है, अगर हम प्रकृति को कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर दो पेड़ अगर हम उनकी याद में लगा देते तो एक याद बनी रहती कि हमारे, निश्चित रूप से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आपने बात। दूसरा ये है कि जब बेटी पैदा होती है तो ऐसा कहते हैं कि बेटी को अपने घर जाना है जी, पराए घर की, पराए घर की, तो उसके जब वो पैदा हो तो 11 पेड़ या 21 पेड़ जैसे अपने सामर्थ्य, जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से लगा दें, बेटी तो जाएगी लेकिन वो बेटी बनकर पेड़ आपके साथ रहेगा हमेशा। बिल्कुल, यही बात है, क्योंकि बेटी भी एक वृक्ष की तरह माँ बाप के ऊपर छाया की तरह होती है, वो तो खैर सदा करती है, सदा करती है, तो बेटी वहाँ जाकर भी जुड़ी रहती है ज़्यादातर। बिल्कुल, और बेटा कई बार आजकल जो वातावरण निर्मित हुआ है जी, वो पास रहकर भी कई बार उतना पास नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो जो भी कारण हो जी जी जी, उस विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा एक सच्चाई है, अभी एक कड़वी सच्चाई है, अच्छी सच्चाई है वो
अलग विषय है जी। ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने, और मैं चाहूँगा कि हमारा जो हमारे जो दर्शक हैं इस चीज़ को सुने और समझें, सीखें, इस चीज़ से सीख लें। सर ने जो बताया है कि बहुत उम्दा बात बताई कि अगर आप सांस लेते हैं तो प्रकृति को बचाने में सहयोग करें, नहीं लेते तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी मिशन है, मिशन है, इसमें हाथ बटाएं, हाथ बटाएं। और दूसरा ये है कि प्रकृति से जुड़े, प्रकृति से जुड़े बहुत जरूरी है, प्रकृति से जुड़े। मतलब वापस जो अपना पर्यावरण के काम करने का उद्देश्य भी यह है कि मनुष्य को वापस प्रकृति से जोड़ना, प्रकृति से जोड़ना। अगर ये हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है जितनी विषय इस समय पर्यावरण से संबंधित आ रहे हैं वो स्वतः सुलझ जाएंगे। बिल्कुल, पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ नेचर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर एंड द बेस्ट वे मास्टर। बिल्कुल, आपको सब कुछ जीवन में प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो अगर आप प्रकृति से जुड़ते हैं और व्यवसायीकरण जो है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, उसके बजाय अगर प्रकृति वाले से संबंधित छोटे उद्योग धंधों के वो बढ़ेंगे तो जो एक साधनों का जो अभाव बहुत सारे लोगों के जीवन में है वो साधनों भी उनको प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और हम जो आपका उद्देश्य है बहुत बड़ा है, हम आशा करते हैं कि आप अपने उद्देश्य में खड़े उतरेंगे और बिल्कुल पूरा होगा। छोटा सा उद्देश्य है, मनुष्य का जीवन ठीक हो जाए, पृथ्वी ठीक हो जाए। नहीं, बहुत बड़ा उद्देश्य है सर, इसको छोटा नहीं बोल सकते, ना छोटा आंक सकते हैं। और इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई अगर मैसेज देना चाहे हमारे दर्शकों को तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका भी समय हो रहा है और हमारा भी समय। इतना ही विषय है, प्रकृति से जुड़े और प्रकृति को अपनाएं। बिल्कुल, और प्रकृति की ओर चलें वापस तो जीवन ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर, इसी के साथ में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबका भी धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ऐसी ही हमारे ऊपर बनी रहे। इसी के साथ में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।